दर्शकों नमस्कार, खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, जहां उपस्थित छात्र छात्राओं एवं उपस्थित स्टाफ के सदस्यों को वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा किया गया संबोधित, जहां निदेशक डॉक्टर NS परमार, डीन एकेडमिक्स मिस्टर अनंत सिंह, डीन ह्यूमन रिसोर्सेज मिस्टर विजय कुमार दीक्षित, अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट हेड मिस्टर हिमतोष नारायण द्विवेदी ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया। उक्त अवसर पर भावी इंजीनियर्स अर्थात छात्र छात्राएं एवं सहयोगी स्टाफ बड़ा उत्साहित दिखा, जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के संबंध में और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों कृतित्वों के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही जन कल्याणकारी दृष्टांतों को सुनाते हुए भाव विभोर कर दिया गया। आपको बता दें कि वेदांत के विख्यात व प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे। उनका वास्तविक नाम, बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की संप्रेषण क्षमता वक्तव्य के कारण पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने कनाडा में जिस तरह से भारत के तरफ से वक्तव्य रखा, वो सराहनीय है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों आदि के साथ साथ अपना वक्तव्य पूरा किया था। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है, इसलिए मानव जाति के साथ साथ सभी जीवों की सेवा करना ईश्वर की ही सेवा और पूजा है। स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू धर्म दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन भी किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानें इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। वहीं एक छात्रा ने संक्षिप्त रूप में स्वामी विवेकानंद जी के वक्तव्य को भी पढ़ करके सुनाया। जो वक्तव्य स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1893 में धर्म संसद में अमेरिका में दिया गया था। सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय रूप हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वालों उन कतिपय वक्ताओं की प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने आपको यह बताया है कि सुदूर देशों के ये लोग शिवकथा का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने संसार को शिवकथा का सार्वभौम सुख स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सुश्रुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ताओं और शरणार्थियों का आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वश में उन यहूदियों के विशुद्धत में अवशिष्ट का स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से दूर में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अन्यायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंग को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को
एक स्रोत की कुछ पंक्तियों का अर्थ सुनाता हूँ, जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। कहते हैं कि जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु भिन्न 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 रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते में जाने वाले लोग अंत में तुम्हें आकर मिल जाते हैं। यह सभी जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है। स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है। और दूसरा जो हमारा दूसरा श्लोक है वो कहते हैं, जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, चाहे कैसा भी हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हरधर्मिता और उनकी विवस्त वंशधर धर्मार्थता इस संसार पृथ्वी पर बहुत समय तक राज कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, वह उसको बारम्बार मानवता के रक्त से नहलाती रही है। सभ्यताओं का द्वैत करती हुई पूरे के पूरे देशों का निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विवश दानवी शक्तियाँ न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वह समस्त धर्मार्थता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक इलंच की ओर अग्रसर होने वाले मानव की पारस्परिक कुटिलता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं बीजे एचओडी सर हिंदो सर से आग्रह करूंगा कि वो दो सर लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत उनको नहीं पढ़ा, शायद मेरे पास समय नहीं होगा या मेरा इनर्सिया ज्यादा होगा, शायद आप बेहतर समझ रहे होंगे तो वो है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इसको मैंने अपने जीवन में रखा है और मैं चाहूंगा कि ये चीज आप भी अपने जीवन में लाए। विवेकानंद जी का कहना यह था कि आप स्वयं से प्यार करते हो जबकि आपको यह पता है कि आपके अंदर 50 कभी हाँ या ना, और आप अपने साथी के अंदर यदि कुछ कमियों को ऑब्जर्व करते हो तो आप उससे नफरत करते हो, उससे दुराव रखते हो, उससे बात नहीं करते। तो जब आप 50 कमियों के बावजूद भी खुद को पसंद कर सकते हो तो अपने साथी की कमियों को देखकर उसको डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हो? और जिस व्यक्ति ने यह चीज समझ ली, आप ये मान के चलिए जो इंडियन समाज है वो एक नई ऊंचाइयों की तरफ चला जाएगा। आज की डेट देखिएगा, आप अपने कैरिकुलम को ऑब्जर्व करिए, इंजीनियरिंग का ह्यूमन वैल्यू आपको पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जो नैतिक मूल्य है समाज में खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? हमें एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, और वो कब करेंगे? जब आप चीजों को सीखेंगे। पहले संयुक्त परिवार थे, आपको सिखाने वाले 10 लोग थे आपके मम्मी पापा के अलावा। आज का इरा क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है, आपको बताने वाला कोई नहीं है या बहुत कम लोग हैं, आपका ज्ञान सीमित है। तो सरकार को आपके लिए कोर्सेज चलाने पड़ रहे हैं ह्यूमन वैल्यू कि आप सीखिए मानव जीवन क्या है, मानव दर्शन क्या है। तो आप सब कुछ नहीं सीख सकते है ना, लेकिन जो सीखिए उसको इम्प्लीमेंट करिए। इसीलिए मैं विवेकानंद जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा या मुझे लगा आज की डेट में आपके लिए प्रासंगिक है, क्योंकि आप युवा हैं, आपको समाज को आगे लेकर जाना है और समाज आगे तभी बढ़ता है जब एक दूसरे से जुड़ाव होता है। उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि सभी धर्मों का सम्मान, क्योंकि सबका गंतव्य एक ही है, रास्ता चाहे जो हो, सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, है ना। तो यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें, उसकी कमियों को हटा दें, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर कर पाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। अभी आप और आगे साइंस की बात में पढ़ोगे तो साइंस में भी ये चीज बताई जाती है, एक टर्म आप सब पढ़ोगे जितने भी बैठे हो, एंट्रोपी। हर जगह लिखा है एंट्रोपी मेजर्स द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। पूरी दुनिया इस एंट्रोपी की वजह से परेशान है। हमने क्लाइमेट को इस लेवल पर डिस्टर्ब कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग और इसकी वजह से
50 समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ओजोन लेयर का होल बढ़ता जा रहा है, वे 1.25 लाख किलोमीटर से ऊपर हो गया। क्यों हो गया? कार्बन एमिशन हम लोग कर रहे हैं, प्रकृति जो है उसके मूल स्वरूप को हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज क्या है कि हमें अपनी चीजों की तरफ देखना है, पॉइंट पकड़िएगा, कि हमें अपनी चीजों को देखना है कि मेरा बेहतर हो जाए, उसका हो या ना हो। ये जो प्रवृत्ति है यही हानिकारक है, इसलिए सबसे जुड़िए, उसकी कमियों पर ध्यान मत दीजिए, उसको साथ लेकर चलिए, उसकी कमी है उसको बताइए, उसके साथ जुड़िए, उस कमी को खत्म करिए, एक बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, आप अच्छा कर पाओगे। अनंत सर ने भी इस पॉइंट को कोट किया, उन्होंने ईगो सबका इस्तेमाल किया कि हमारा ईगो इतना बड़ा है, हम नहीं पूछ सकते एक दूसरे से। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं आज की अपनी कमी है। तो आप अपने स्वभाव को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हो, लेकिन वही जो आपके साथ सामने है उसमें उन कमियों को आप पॉइंट आउट करते हो और फिर चार जगह बोलते हो कि उसमें ये कमी है, ये कमी है, है ना। तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो विवेकानंद जी के कोट बहुत छोटे छोटे हैं, आप उनको पढ़िए, छोटी छोटी चीजों को पढ़िए और उनका मूल मतलब समझने की कोशिश करिए। मैंने एक दिन बोला था आपको कि तैयारी मत करो, तैयार रहो। मैंने एक ट्रक के पीछे पड़ा था। हाँ, कानपुर से आता हूं, क्या करता हूं, तो ट्रक पे लिखा था उत्तरी पूरा क्रॉसिंग पे कि तैयारी मत करो, तैयार रहो। मतलब क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, अब इसी को आप अच्छी भाषा में बोल लीजिएगा कि यार उस बंदे का टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। बायोलॉजिकली हम सबके दिमाग में 2 करोड़ सेल हैं, सबके पास बराबर है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसमें क्या भर रहे हो, किस तरीके के थॉट प्रोसेस में जा रहे हो। आप सिंपल तौर पर देखिए कि आप खेत को देखिए, आसपास खेती है ना, एक खेत को 6 महीने खाली छोड़ दीजिए, उसमें क्या मिलेगा आपको? बहुत कुछ होगा लेकिन वो यूजलेस होगा, है ना। पर एक खेत को अच्छे से जुताई करके उसमें कुछ बोया जाता है तो उससे खाना हमें मिल जाता है। वही अपना दिमाग है, जैसा थॉट प्रोसेस यहां लेकर आओगे वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि महापुरुषों को पढ़िए, उनसे सीखिए, क्योंकि एक भी लाइन आपने सीख ली तो आप अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाओगे। और जब आप अपना जीवन सही करोगे तो भविष्य में कम से कम 10 लोगों का जीवन और संवारोगे जो आपसे जुड़ेंगे, और वो 10 सही ट्रैक पर गए तो आने वाले 20 को सही करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस चलता चला जाएगा और हम एक सकारात्मक डायरेक्शन में जाएंगे, तो जहां पर ना निगेटिविटी होगी ना ही विद्वेष होगा, हर जगह प्रेम होगा, है ना, और हम सब म्यूचुअली ग्रोथ करेंगे। तो प्लीज इसको ऑब्जर्व करिएगा जाके, इस लाइन को, कि 50 कमियों की बात है, आप खुद को पसंद कर सकते हो, तो किसी एक कमी देखकर उसको डिसरिस्पेक्ट करना, उसका मजाक उड़ाना, ये अच्छी बात। थैंक यू। तो सभी लोग को पढ़ना चाहिए एक बार स्वामी विवेकानंद जी को, जैसे कुछ कोट के द्वारा ही मैं भी कहूँगा, जैसा उनका एक कोट था कि अगर किसी दिन आपके लाइफ में कोई भी दिन ऐसा हो जिस दिन समस्या ना है तो आप समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते हैं। तो उसी को मैं ऐसे बताऊंगा कि आप जब पढ़ाई करते हैं, जब आपको लगता है कि समस्या आ गई है, कभी कभी आपको लगता होगा कि पढ़ाई बहुत कठिन है, ऐसा फील होता होगा, तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल सही रास्ते पर, यही पढ़ाई आपके लिए है। जो पढ़ाई बहुत आसान लगे और सब कुछ एक ही दिन में तैयार हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप वो गलत पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस दिन में आपको लगे कि आपको बड़ा कठिन लग रहा है तो आप समझ लो सही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सही कोर्स चूज किया है और खूब मन से पढ़िए, ठीक है। तो ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि टफ लग रहा है मतलब हम गलत रास्ते पर, आप बिल्कुल सही रास्ते। जीना और सीखने का मतलब ये है कि सभी से सीखो। कुछ लोगों में इतना ईगो भरा रहता है कि हमें नहीं आ रहा है फिर भी दूसरे से नहीं पूछे। मैं भी अपने क्लास में हमेशा ये कहता हूँ ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप हॉस्टल कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था, हॉस्टल का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि कुछ
किसी का मैथ तेज होगा, किसी का केमिस्ट्री तेज होगा, किसी का दूसरा सब्जेक्ट तेज होगा, तो आपस में मिल बैठ के जब आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अगर डाउट होगा तो तुरंत आप दूसरे से पूछ सकते हैं, इसको मैं इससे क्यों पूछूं, क्या पता उसका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। सब में अलग अलग है ना, कोई दौड़ने में तेज है, कोई किसी चीज़ में तेज है, तो उसको अपना ये मत करिए। और छोटों से भी सीखने की, ये तो अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, तो मैं प्रश्न कह रहा, मैं अभी भी कोई छोटा बच्चा भी मिल जाता है तो भी मैं उससे सीखता हूँ, क्या पता कुछ ऐसी बात बोल दे जिससे मैं चेंज हो जाऊँ। खुद पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं। से अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों के बीच में आए, और आज इस युवा दिवस के मौके पर हमारे जो स्टूडेंट्स युवा हैं, फैकल्टी मेंबर्स युवा हैं, उनके लिए दो शब्द कहने हैं। बाकी कुछ आपको बता दिया है सौरभ जी ने, आज युवा दिवस है, आप लोगों का दिन, युवा है हम लोग, हम लोग भी युवा ही हैं, हम लोगों को मत मानिएगा कि हम लोग बुड्ढे बुड्ढे हो गए, युवा ही आप थोड़े सीनियर वाले तो दिन आपके लिए है। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन, ये आप सभी लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल्स की सब जगह पर है, तो उनका जीवन है, कैसे जिया उन्होंने, क्या क्या उन्होंने अपने लिए गोल सेट किए, कहाँ पर पहुँचे, और भारत को, अपने देश को कहाँ पर पहुँचाया, जो विश्वगुरु की हम लोगों को संज्ञा मिली हुई थी वो स्वामी विवेकानंद ने एक बार फिर से इस्टेब्लिश किया शिकागो में जा कर के, और धर्म सम्मेलन था वो, शायद मेरे हिसाब से जो मुझको याद पड़ता है अपने पढ़ा हुआ, शायद धर्म सम्मेलन था, विश्व धर्म सम्मेलन था, और उसमें बोलने के लिए जो है उस समय हम हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के अधीन था, हम लोग इस तरह से स्वतंत्र नहीं थे, तो एक परतंत्र देश का नागरिक और उसको इनवाइट किया जाता है, तो उसको उसी तरह का टॉपिक भी दिया गया था, टॉपिक था शून्य, और शून्य पर विचार रखने के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे। अब शून्य का मतलब इंग्लिश में ज़ीरो होता है, ज़ीरो का मतलब ही जनरल तो इसे लगाते कुछ नहीं, और इस पे बोलने के लिए उनको आमंत्रित किया गया, और वो भी सेकंड लास्ट। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ कि सारे जो विश्व के धर्म गुरु थे उसमें सेकंड लास्ट नंबर इंडिया का था, और स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका नंबर सेकेंड लास्ट था, टॉपिक था ज़ीरो शून्य, और उस टॉपिक पर उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो इतना उदस्वी था, जो बताया और जिसके जिससे शुरुआत की उन्होंने, तो वहाँ पर क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उस समय इंग्लिश डोमिनेंस था, अंग्रेजों का आधिपत्य था, डोमिनेंस था उनका, लैंग्वेज में इंग्लिश ही थी, उसकी प्रेफरेबल लैंग्वेज जो रखी गई थी वो इंग्लिश थी, तो जो मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पढ़ा है उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पर सभी लोग संबोधित जो कर रहे थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन कह करके संबोधित कर रहे थे सभी लोगों को, किसी हिंदुस्तानी किसी भाइयों और बहनों इस तरह से कह के संबोधित किया था, और इस संबोधन पर उनके 5 मिनट तक लगातार बड़े से सभागार में, जहाँ पर विश्व के लगभग सभी देशों के लोग थे, तालियां बजी थी। ये उदाहरण मिलता है, पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है, ये सही है कि नहीं उसको तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन वो जो लाइन थी उस लाइन में ही कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जितनी देर उनको मिला था 5 से 7 मिनट बोलने के लिए मिला था, और वो 45 मिनट तक लगातार बोलते रहे, और जो जनता थी वो मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनती रही, उसको एक भाषा में सम्मोहन करना भी कहते हैं, हालांकि सम्मोहन जो है जादूगर लोग करते हैं, लेकिन इसको कहते हैं एक सम्मोहन कर लेना, कि उस पूरे सभागार में कोई भी शोर नहीं था, जैसे कभी कभी आप बिल्कुल आवाज पर ध्यान नहीं होता, कहाँ ध्यान है उस गेंद पर। विवेकानंद जी की एकाग्रता भी ऐसी,
वह ट्रेन पर अब एकाग्रता से पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी चीजें सीख पाते हैं। ट्रेन पे जा रहे थे तो एक व्यक्ति के पास किताब थी, ये नहीं इनके पास किताब थी, बैठे थे और पढ़ रहे थे तो एक एक पन्ना फाड़ के फेंकते जा रहे थे और तुरंत तुरंत जैसे ये किताब लिया और ये पन्ना फाड़ के फेंके तो सामने व्यक्ति बैठा था, उसने कहा ये क्या कर रहे हो पागल हो गए, तुम किताब पढ़ दो। मैंने तो पढ़ ली, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी इतनी जल्दी पढ़ लेगा। ठीक है, उसने किताब दी, इन्होंने बस पन्ना पलटते चले गए, उसको दे दी कि मैंने पढ़ ली। तो उसने कहा ठीक है मैं पूछता हूँ इसके अंदर से। उन्होंने पूछा तो उन्होंने हर पेज पर क्या लिखा है सब बताया। ये कैसे संभव हुआ? एकाग्रता से। एक और उदाहरण आता है कि इंग्लैंड में ये अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे तो कुछ बच्चे निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये निकले तो उन बच्चों से के निशाने नहीं लग रहे थे, उन्होंने कहा कि एकाग्रता रखिए, कंसंट्रेशन मेंटेन करिए तो निशाने लगेंगे। तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि तुम्हें क्या मालूम निशानेबाजी क्या होती है। तो इन्होंने गन दी इनको और इन्होंने सारे निशाने से तो संभव कैसे हो पाता है? प्रैक्टिस भी नहीं है लेकिन संभव इसलिए हो पाया क्योंकि एकाग्रता। तो अगर हम पढ़ रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, कौन बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर ध्यान है कि पढ़ाई पर ध्यान? अगर पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेशन है तो कुछ सुनाई ही नहीं पड़ेगा। आपके पड़ोस में कोई बैठ गया चला गया मालूम ही नहीं पड़ेगा अगर कंसंट्रेशन आपका ठीक है। और ऐसे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने से चीजें बहुत जल्दी समझ में आती, क्योंकि सारा डेडिकेशन वहीं पे है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी? कह रहे हैं कि सारी ऊर्जा जब अपनी सारे स्नायु तंत्र सारी ऊर्जा एक दिशा में लगा देंगे तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। युवाओं के लिए इतना क्यों लिखा उन्होंने? उस समय आप देखिए केवल युवाओं के लिए नहीं लिखा है, अगर आप उनको पढ़ने जाएंगे तो महिलाओं पर भी लिखा है उन्होंने, युवाओं पर भी लिखा है। युवाओं के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो समय गुलामी का था, हम गुलाम थे, गुलामी के समय में जो युवा वर्ग था वो बहुत ज्यादा निराशा के वातावरण में था, उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, इसलिए उसको जागृत करने के लिए कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को समझो, तुम अपनी क्षमताओं को समझो और इस तरह की प्रेरणा देने का प्रयास वहां पर होगा। विवेकानंद जी को धर्म सभा में जो गए थे शिकागो में तो वहां पर धर्म सभा थोड़ा पोस्टपोन हो गया, जैसे ना आज अपना कार्यक्रम 2 बजे पहले किया गया अभी 3 बजे वैसा पोस्टपोन हो गया। विवेकानंद जी को यहाँ से लोगों ने भेजा था तो धन बहुत सीमित था उनके पास, तो शिकागो एक महंगा शहर है अमेरिका का, वहां पर 3-4 दिन रुकना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो एक पास के छोटे कस्बे में जाकर चले गए और वहां पर गए तो वहां पर कहां रुके, पैसा का तो अभाव था तो जो पानी का पाइप होता है बड़ा वाला पाइप देखा हो कहीं कहीं पड़ा रहता बड़ा सा पाइप उसी के अंदर सो रहे थे, सीवर वगैरह पानी का बड़ा पाइप पड़ा रहता सीमेंट का वैसा पड़ा था उसी के अंदर सो गए। वहां पर सर्दी बहुत होती है अमेरिका में, तो वहां पर सामने इनका घर था, वो लेडी आई उसने देखा इनसे पूछा तो कि वो धर्म सभा में आए हैं तो अपने घर ले गई, वहां पर वो 3-4 दिन वहीं पर रहे। उसके बाद जब वो वापस पहुंचे तो 4 दिन बाद धर्म सभा में रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। भाई किसी सभा में आप जाते हैं तो पहले तो अब तो ऑनलाइन हो जाता है, अब उस जमाने में तो वहीं जाके फॉर्म भरना पड़ता था, तो रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया था और लिस्ट बन गई थी किस किस वक्ता को बोलना। तो इनसे कहा गया कि अब आप सभा में नहीं बोल सकते,
तो भाई वो महिला थी और भी कुछ लोग थे, जो कि चार दिन में जो उन्होंने वहां पर अपने विषय रखे थे उससे काफी लोग प्रभावित हुए थे, वो सब लोग साथ में थे, उन्होंने प्रयास किया तो इनको यह हुआ कि शून्यकाल में, शून्यकाल क्या होता है अगर आपने संसद की कार्यवाही देखी होगी कि जब एक वक्ता बोलता है और दूसरा वक्ता बोलता है तो उसके बीच का जो फिलर होता है, जैसे डायरेक्टर साहब बोले, मेहमान साहब बोले तो बीच में सर ने बोला, तो वो जो फिलर का समय था वो समय उनसे कहा गया, उनको शून्य में बोलने के देखने गए तो वहां पर जो नाटक करने वाले लोगों में से एक महिला थी, उन्होंने विवेकानंद जी को पहचान किया। नाटक खत्म होने के बाद उनसे मिलने आई और उसने कहा कि आप थोड़ा समय हम लोगों को दें, हम लोग आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो उस महिला के घर पर एक बैठक हुई, जिस बैठक में निकोलस टेस्ला, जो वैज्ञानिक नाम सुना होगा आप सभी ने, निकोलस टेस्ला मौजूद। जब उन्होंने चर्चा की तो निकोलस टेस्ला ऑलरेडी उस समय तक एसी मोटर बना चुके थे, तो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हो गए। तो उन्होंने कुछ ऐसे विषय उनके सामने रखे तो विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि आप, विवेकानंद जी ने उनके बाद से वो मोशन, फोर्स और एनर्जी के बारे में बताया। एक धर्म, अगर वो धर्म के केवल जानकार होते तो उस समय इन पर बहुत वर्क नहीं हुआ था, इनके रिलेशन पे वर्क नहीं हुआ था, अलग अलग तो हो रहा था लेकिन मोशन, फोर्स और एनर्जी में क्या रिलेशन है इस पर उन्होंने अपने बताया उनको, और कहा कि ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीज है, हमारे यहाँ जो ग्रंथ है उनमें चीजें हैं। और उनसे कहा कि पदार्थ और एनर्जी के बीच में संबंध है, पदार्थ एनर्जी के बीच में संबंध है जिसको आप काम करिए। 15 दिन लगभग निकोलस टेस्ला विवेकानंद जी के साथ रहे और सीखे, उसका उन्होंने काफी इन्वेंशन किए। एनर्जी, मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, बाद में आइंस्टीन ने उसको एस्टेब्लिश किया है, लेकिन टेस्ला ने बहुत कुछ उनसे सीखा। तो एक व्यक्ति जिसकी टोटल उम्र 39 साल रही, वो साइंस भी जानता है, वो हिस्ट्री भी जानता है, संगीत भी जानता है। उन्होंने कहा था कि हमें पाश्चात्य संगीत में बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है लेकिन भारत के संगीत में बहुत एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, इसलिए भारतीय संगीतज्ञों को पाश्चात्य संगीत को सीखना चाहिए, उनके वर्क को समझना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो संगीत की जानकारी भी उनको थी तो कह सकते थे। एक और उदाहरण आता है, जापान की यात्रा पे थे विवेकानंद जी, उसी समय उसी पानी के जहाज से जमशेद जी टाटा भी जा रहे हैं। जमशेद जी टाटा को तो आप लोग सब जानते ही, तो जमशेद जी टाटा से विवेकानंद जी की चर्चा हुई। उस समय जमशेद जी टाटा 54 साल की उम्र के थे और विवेकानंद जी 34 साल उम्र के। चर्चा हुई तो विवेकानंद जी ने उनसे कहा आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टील का व्यापार करता हूं तो वहां से स्टील मंगाता हूं तो यहां पर बेचता हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो आपको यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने होंगे और वैज्ञानिक पैदा करने होंगे। उसके बाद जमशेद जी टाटा ने उनसे प्रभावित होकर टाटा स्टील की स्थापना की भारत के अंदर, साथ में IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जो भारत का टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है उसको भी स्थापित करने की प्रेरणा विवेकानंद जी से ही टाटा को मिली। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।